हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूँ। अभी सुबह का 7 बज रहा है। तो आज जाके वहाँ देखाऊँगा किचन में क्या बनाऊँगा। तो आज सुबह इंडियन बनेगा, शायद ओनियन डोसा बन सकता है और जिंजर का चटनी। तो मैं आपके जाके दिखाऊँगा। लेकिन डेली वो जूस बनता है, मौसमी ऑरेंज और वाटरमेलन का डेली जूस बनता है, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखाता हूँ। तो आप देख के बोरिंग हो जाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं देखता। लेकिन कोशिश करता हूँ डेली डेली नया बनाता हूँ तो वो दिखाने का। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं अभी नया चैनल को ओपन किया हूँ, तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं है कि कैसे एडिट करना है, कैसे अपलोड करना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा देख के सीख रहा हूँ। तो मेरा वीडियो में अगर कुछ गलती हो रहा होगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, नहीं तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अभी मैं थोड़ा नया हूँ और मैं बहुत बिजी भी रहता हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता मेरे को। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डेली वीडियो डालने के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो शूट करने और अच्छे से अच्छा खाना आपको दिखाना, कैसे मैं बनाता हूँ, क्या करता हूँ। लेकिन कल मैं बहुत बिजी था, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। और दूसरी बात, तो मैं वीडियो ही नहीं शूट कर पाया, इतना ज़्यादा बिजी था। तो मैं कोशिश करूँगा डेली वीडियो अपलोड करने के लिए और डेली आपको दिखाने के लिए। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं जाकर आपको सीधा किसी में मिलता हूँ। तब तक बाय बाय, टाटा। देखिए फ्रेंड्स, मैं सुबह सुबह ड्यूटी जाता हूँ तो इधर कोई भी नहीं रहता। देखिए कोई भी नहीं रहता, तो मैं थोड़ा गांव के साइड में रहता हूँ, तो इसीलिए सुबह सुबह कोई भी नहीं रहता। देखिए मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी किचन पर आ गया हूँ। हमारा सर बोले ओनियन डोसा चाहिए, तो हम आज फटाफट ओनियन डोसा बना लेंगे। तो सबसे पहले पैन को गर्म करेंगे। देखिए डोसा का क्या है कि पैन को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब अगर ज़्यादा हीट करेंगे ना पैन को, तो डोसा बराबर नहीं बनेगा। आप डोसा बनाए जाएंगे और डोसा का खिचड़ी बन जाएगा। तो इसलिए मीडियम हॉट पैन में थोड़ा सा पानी मारिए। कभी भी नॉनस्टिक पैन में ऑयल मत डालिए। तो बहुत सारा वीडियो में देखा हूँ नॉनस्टिक तवा में बोलते हैं ऑयल डाल दो, ऑयल नहीं डालने का। तो बिना ऑयल का बनाना, थोड़ा सा पानी मारिए टावल में या टिश में पोंछ लीजिए, तब डोसा बनाएगा। उसका ऊपर से आप घी या ऑयल डालिए, ऐसे ही नहीं मत डालिए। ऐसा जो लोहा का पैन रहता है तो उसमें थोड़ा सा डालना पड़ता है, ऑयल में तो चिपक जाता है। थोड़ा ऑयल डालिए, आलू या नहीं तो प्याज थोड़ा सा घीस लीजिए, तो डोसा आसानी से आ जाता है। तो इधर मैं ऑनियन डोसा बनाऊँगा। कारम भी आप बना सकते हैं, अंडा भी बना सकते हैं, मसाला डोसा बना सकते हैं, पूड़ी डोसा बना सकते हैं, और क्या, अब आपका मर्जी। दही टोल डोसा बना सकते हैं, चीज़ डोसा बना सकते हैं, चकली डोसा बना सकते हैं, बहुत सारे डोसा बना सकते हैं, आपका मर्जी। देखिए इसी तरह बना लेंगे। मेरा जो लाइन आ रहा है ना, मैं वो जो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें सब्जी निकालते हैं, तो उसमें मैं बना रहा हूँ, इसमें मेरा लाइन आ रहा है। अगर आप छोटा गिन्नी में ना बाटी में बनाएंगे, बॉल में, तो लाइन नहीं आएगा, पूरा होटल का ऐसा प्लेन आएगा। होटल में ऐसा बॉल में बनाते हैं, ऐसा राउंड कलर का बेस रहेगा उसका, उसमें बनाते हैं तो पूरा एकदम बराबर परफेक्ट डोसा आता है। तो घर में ऐसा नहीं मिलता, तो इसलिए हम जिसमें सब्जी निकालते ना उसमें ये करते हैं। थोड़ा सा देखिए, मैं उसका ऊपर से घी डाला, लेकिन मैं पैन में नहीं डाला, उसका ऊपर डालेंगे, इसको क्रिस्पी करारा करेंगे और हमारा सर को देंगे और खाएंगे। खाने के बाद क्या बोलेंगे, वाह भाई वाह। डोसा ऐसा चीज़ है ना, आप उसको बनाने में टेक्निक आना चाहिए। आप जितना अच्छा बनाएंगे डोसा, वो उतना अच्छा बनेगा और उतना क्रिस्पी बनेगा। इधर हमारा डोसा बन के तैयार है, देखिए हो गया। अभी हम लेके जाएंगे, सर को देंगे। इसी तरह आप बनाइए, घर में खाइए डोसा। इडली बहुत हेल्दी रहता है, हेल्दी फूड खाइए और हेल्दी रहिए, जंक फूड से बचिए। और कभी कभार चलता है, लेकिन हर बार नहीं खाना चाहिए। इसके साथ मैं जिंजर का चटनी दिया हूँ, जिंजर और आलम, उसको तेलुगु में आलम बोलते हैं, जिंजर गार्लिक और थोड़ा सा मेथी राई और क्या और लहसुन डाल के उसको पीस लिया। देखिए ये हमारा किचन है, ये है आपका ड्राई किचन और अंदर वाला है वेट किचन। तो देखिए हमारा फ्रिज है, दो डबल फ्रिज है, एक में मेरा सामान रहता है, एक में वेजिटेबल्स रहता है। तो कैसा लग रहा है मेरा किचन, दो गैस स्टोव है, एक में मैं बनाता हूँ, एक में मेरा आंटी बनाता है, और ये है हमारा ड्राई किचन। फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, मैं लंच बनाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट लंच में मिलते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, इसीलिए वो बाहर में जो ज़्यादा नॉइज आता है, तो इसीलिए गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में थोड़ा इतना नहीं आता। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए।
तब तक बाय, लंच में मिलते हैं।